तो नीता की रसोई में आज बनने जा रहा है शिकंजी प्री मिक्स मसाला, क्योंकि गेस्ट भी आते हैं गर्मियों में और बच्चे भी कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं, तो शिकंजी तो है बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वो एनर्जी भी देती है और हमें गर्मी से भी बचाती है। तो उसका मसाला हम पहले ही बना के रख लेते हैं और किस तरह से बनाते हैं तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप चाहें तो पिसे हुए भी मसाले यूज़ कर सकते हैं और मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट करके बनाती हूँ। ये ली है हमने सौंफ, मोटी सौंफ है, सौंफ थोड़ी सी हमारी जीरे से कम रहेगी। ये मैंने डाला है जीरा, जीरा थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि जीरा बहुत फ़ायदा करता है डाइजेस्टिव और टेस्ट को भी बढ़ाता है। एक छोटी इलायची, आप दो भी ले सकते हैं, तीन से चार या पाँच छः टेस्ट के अनुसार आप काली मिर्चा ले लेंगे और इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, यानी हम भून लेंगे। अगर भूनने से क्या होगा कि हम इसको ज़्यादा दिन तक मसाले को स्टोर कर सकते हैं और भूनने के बाद इसको हम अच्छे मसाले को अच्छे से पीस लेंगे। ये हमारा मसाला पीस के एकदम तैयार हो गया, फाइन मसाला है, आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं। इसमें ये मैंने मिक्स कर ये डाल दिया मसाला जो मैंने भी पीसा था। इसमें हम मिला रहे हैं काला नमक, आप सादा या सेंधा नमक भी मिला सकते हैं टेस्ट अनुसार अपने। ये पुदीना पाउडर है पर मैं ऑलरेडी पुदीना मिला चुकी हूँ इसलिए मैं पुदीना ऐड नहीं कर रही हूँ। ये है थोड़ा सा सौंठ का पाउडर और ये है पिसी हुई चीनी और इन सबको हम अच्छे से करेंगे ऐड। पर एक बार हम चाहें तो आप इसको मिक्सी में अच्छे से चला सकते हैं और चाहें तो आप इसको इसी तरह से ऐड कर मिला के रख सकते हैं। हमने सारी चीज़ों को मिला के अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप चाहें तो सारी चीज़ें मिलाकर एक बार मिक्सी में और चला सकते हैं। और अब हम बनाने जा रहे हैं शिकंजी। शिकंजी भी आप दो तरह से बना सकते हैं। मैं तो बिल्कुल सिंपल शिकंजी बनाने जा रही हूँ, आप चाहें तो सोडे के साथ भी बना सकते हैं। ये है एक गिलास पानी, इसमें कुछ हमने डाला है नींबू का रस अकॉर्डिंग योर टेस्ट, और ये जो शिकंजी मसाला हमने बनाया है हम इसमें एक चम्मच शिकंजी मसाला डालेंगे, अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। कुछ इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब्स, चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियाँ और कुछ हम इसमें लेमन लगा देंगे साइड से काट के, ये हमने लेमन इसमें लगा दिया और ये हमारी शिकंजी मिनटों में हो गई तैयार। आप चाहें तो इसको सोडे में भी बना सकते हैं। हम डालते हैं यहाँ पर शिकंजी मसाला और आप पानी की जगह सोडा भी डाल सकते हैं, वही टेस्ट देगा जो शिकंजी में देगा। तो हमारी लीजिए शिकंजी तैयार है, मिनटों में हमारी शिकंजी बन गई है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके साथ नए नए वीडियो शेयर करते रहें। और चैनल अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा, हमारा उत्साहवर्धन होगा। नमस्कार।